आज अपन पढ़ने वाले हैं एल्डिहाइड की आईयूपीएसी और कॉमन नेमिंग। तो देखो आईयूपीएसी और कॉमन नेमिंग आपको मैं पढ़ाऊंगा। तो इस वाले चैप्टर के अंदर मैं आपको बताऊं मेनली आपको तीन चीज पढ़नी है, एक तो एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अब जो पीछे आपको ट्रेंड पढ़ाया गया आईयूपीएसी प्रिपरेशन मेथड उसी तरीके से पूरा चैप्टर चलेगा, ठीक है ना। अब इसको भी तीन पार्ट में पढ़ेंगे इस वाले चैप्टर को, लेकिन इसके अंदर क्या है कि एल्डिहाइड और कीटोन को साथ पढ़ लेना है तो थोड़ा चैप्टर छोटा हो जाएगा, ये अब खुशी की बात बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब सुनना, अब अपने क्या करना है, अब पहले एल्डिहाइड की नेमिंग पढ़नी है, ठीक है ना। क्योंकि ये एल्डिहाइड की नेमिंग देखो इसलिए अच्छे से करा रहा हूँ क्योंकि यहाँ से नाम पूछता है आपसे, तो वो नाम आपको आने चाहिए, ठीक है। कॉमन नेमिंग की ज़्यादा वैल्यू है, ठीक है। आईयूपीएसी बहुत कम पूछता है, ठीक है ना, क्योंकि कॉमन नेम में आपको क्या है कि बुक में और जगह भी देखोगे तो कॉमन नेम ही दिखेगा, आईयूपीएसी कम दिखेगा, इसलिए क्या है कि आपको ये चीज़ें मैं पढ़ूंगा, ठीक है ना। तो एल्डिहाइड का कॉमन नेम और आईयूपीएसी देखेंगे आज अपन। तो देखो आप कैसे करते हैं, है ना, ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। देखो कॉमन नेमिंग इस हिसाब से दी जाती है कि पहले ऐसा होता था कि जो भी कोई सोर्स से मिलता था कोई भी कंपाउंड उसका उसी के नाम के बेसिस पे उसका कर देते थे, ठीक है ना। मतलब जिस जहाँ जिस पहले से मिल रहा है ना वो उसी के बेसिस पे उसका नाम कर दिया करते थे। लेकिन अब क्या हुआ, आईयूपीएसी आने के बाद में रूल्स चेंज हो गए, तो वो जो कॉमन नेम जो पहले करते थे ना वो नेमिंग मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सुनो, एक कार्बन वाला जब दिखेगा ना तो उसके लिए क्या लगाओगे, फॉर्म। क्या लगाओगे, फॉर्म। अब इसके लिए कुछ रूल्स है वो सुनो कैसे, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ क्या क्या आपको लगाना है और क्या नहीं लगाना है, ठीक है। दो कार्बन जब दिखेंगे तो आपको लगाना है एसिड। क्या लगाना है, एसिड, याद रखना। एक कार्बन वाले के लिए लगाना है फॉर्म, कॉमन नेमिंग के रूल पढ़ा रहा हूँ, आईयूपीएसी के रूल तो अलग है, अभी आई बात समझ। चलो सर, तीन कार्बन होंगे तो लगाना है प्रोपियोन, और चार कार्बन होंगे तो लगाना है ब्यूटर। क्या लगाना है, ब्यूटर, बात समझ लो, खोपड़ी खोल के उसके अंदर फिट करके डाल, ठीक है। पांच कार्बन दिखेंगे तो लगाना है वेलर। क्या लगाना है, वेलर, वेलर। तीन कार्बन और डबल बॉन्ड दिखेगा तो उसके लिए लगाना है एक्राइड। अब यहाँ क्या ये चीजें फिक्स है, इसलिए फिक्स चीजें मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ये आप नोट कर लेना, ठीक है, आई बात समझ में। और चार कार्बन और आपको डबल बॉन्ड दिखेगा तो आपको लगेगा प्रोटोन। तो ये जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड किए हैं उसके अंदर ये नहीं है चीज़ें, ठीक है ना। तो ये मैं आपको अलग से मैं मेरी तरफ से बता रहा हूँ, ये चीज़ें क्या याद रखना, क्योंकि आगे जब आप चैप्टर जैसे जैसे पढ़ते जाओगे ना ये कॉमन नेम बीच बीच में टांग अड़ाएंगे। अब आपको तो आईयूपीएसी आती, कॉमन आती नहीं, तो जब कॉमन आता नहीं तो फिर अटक जाओगे। तो कॉमन आप ये मत सोच रहे हैं कि हमको नेमिंग आती है, क्योंकि यहाँ अटकने वाले काम आ जाएंगे। अब देखो ये चीज़ें आप पहली बार पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो अब मैं इसकी आपको आईयूपीएसी नेमिंग और कॉमन नेमिंग दोनों पढ़ा देता हूँ, ठीक। देखो कैसे, मैं इन सब के एक एक एग्जाम्पल लूंगा, उसका कॉमन नेम भी बताऊंगा और आईयूपीएसी नेम भी बताऊंगा। तो देखो पहले एक कार्बन वाले का लेते हैं, तो एक कार्बन वाला प्रोडक्ट ही होता है, तो देखो उसका मैं कॉमन नेम भी इधर लिख दूंगा। क्या लिखूंगा उसका, कॉमन नेम लिखूंगा, ठीक है। फिर उसका आईयूपीएसी लिखूंगा, क्या लिखूंगा उसका, आईयूपीएसी। फिर उसके साथ साथ देखो और एक आप क्या लिखेंगे, उसका कंपाउंड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कंपाउंड, या फिर मान लो मैं उसका फॉर्मूला लिखूंगा, यहाँ पे क्या लिखूंगा, फॉर्मूला, ठीक है। तो अब सुनिए, जैसे मान लो मेरे पास एक कार्बन का है, तो एक कार्बन वाले का मेरे को क्या कंपाउंड एक ही है, वो क्या है मेरे पास, एच सी डबल ओ एच, ठीक है। अब इसके अंदर कार्बन कितना है, सिर्फ एक, ठीक है। तो कॉमन नेमिंग जब आप करोगे तो कॉमन नेमिंग में देखो एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, फॉर्म। क्या लगाते हैं, फॉर्म। तो अब मैं क्या बोलूंगा, इसको बोलूंगा फॉर्म एल्डिहाइड। क्या बोलूंगा, फॉर्म एल्डिहाइड। आ रही है बात समझ में, फॉर्म एल्डिहाइड आपने बहुत जगह सुना है, नहीं सुना तो मैं आपको बताता हूं। कभी आप म्यूजियम वगैरह में गए हो, तो वहां पे म्यूजियम वगैरह में आप जाओगे जहाँ ये जीव जंतुओं को मरे हुए को रखते हैं प्रदर्शनी के लिए, तो वहाँ पे क्या होता है, जो मरे हुए जो जीव जंतु होते हैं उनको फॉर्मेलिन में डुबो के रखते हैं ताकि वो सड़े नहीं, लंबे टाइम तक चल सके। भाई मान लो आज से 400 करोड़ साल पहले यदि डायनासोर लुप्त हुआ था, तो अब इसका मतलब तो ये है नहीं कि वो उसके कोई अवशेष वगैरह भी नहीं मिलेंगे, आज मिलते हैं, आप ये देखते हो आए दिन नई रिसर्च होती है, तो हुई कैसे, तो उनको वो जो नमूने मिलते हैं ना, वो जो पुराने मरे हुए
उनको क्या करते हैं, फॉर्मेलिन नामक एक सॉल्यूशन के अंदर डाल के रखते हैं, जो जिसके अंदर ध्यान रखना फॉर्मेल्डिहाइड का बना होता है। ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा कि फॉर्मेलिन बनता कैसे, तो अभी तो सिर्फ इतना ध्यान रखना। आई बात समझ में, इसका कॉमन नेम क्या है, इसका फॉर्मेल्डिहाइड। जबकि इसका आईयूपीएसी नेम, तो आईयूपीएसी नेम में ध्यान रखना सफिक्स क्या लगाते हैं, ए लगाएंगे सफिक्स। इसका सफिक्स लगाएंगे अपन, इसका जो सफिक्स है वो सफिक्स क्या लगाना है, एल। ये बात आपको याद रखनी, बोलो याद रहेगी, सफिक्स क्या लगाना है इसका, एल, एल ध्यान रखना, एल ठीक है। अब आईयूपीएसी सुनो, आईयूपीएसी के अंदर क्या है सुनना, आईयूपीएसी ये है आपकी, ये देखो ए कार्बन है तो ए कार्बन के लिए क्या लगा, तो मैथ, तो सुनो मैथ, मैथ प्लस एन प्लस एल, यही करोगे। क्योंकि देखो आपको पता है एक कार्बन के लिए मैथ लगा दिया, रूट वर्ड याद है, फिर वन डिग्री सफिक्स और ये टू डिग्री सफिक्स, तो वन डिग्री सफिक्स आपको पता है एन ई नाइन होते हैं, तो यहाँ डबल बॉन्ड तो है नहीं कार्बन कार्बन के बीच में, ठीक है, तो यहाँ पे एन लगा दिया, एन के बाद एल लगाया। अब सुनना, आपको एक रूल पढ़ा रखा है ए ई आई ओ यू वाई, ऐसे आपको कोई सेकेंडरी सफिक्स दिख रहा हो उसका फर्स्ट लेटर, तो उसके जस्ट पीछे वाला ए ई आई यू लेटर हट जाता है, याद है ऐसा पढ़ा रखा है आपको, याद करो ऐसा रूल, तो ये हट जाएगा यहाँ से, तो मैं इसको जोड़ के लिखूंगा, तो मैं इसको जोड़ के किस तरीके से लिखूंगा, तो सुनना इसको मैं जोड़ के लिख देता हूँ, तो ये आपका क्या बन जाएगा, मैथ एन एल, बात आती है समझ में, क्या बन जाएगा आपका, मैथेनल। तो ये तो था फॉर्मेल्डिहाइड और ये क्या था आपका, मैथेनल, नाम हो गया। अब सेकेंड वाले क्या, तो सेकेंड वाले में क्या करेंगे इसको, ये तो हो गया आपका सी एस टी, सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये इसका है। अब नाम तो आप ही कर लोगे, मेरे को करने की जरूरत नहीं है, कॉमन अब तो आप सीख गए, ठीक है ना। तो ये क्या है, एसिड, दो कार्बन के लिए लगाते हैं, तो देखो दो कार्बन है और लास्ट में क्या लगाना है, एल्डिहाइड, बस यही करना है आपको। तो देखो नाम क्या हो जाएगा इसका, एसिड एल्डिहाइड, ठीक है, एसिड एल्डिहाइड। फिर आईयूपीएसी क्या हो जाएगी, तो दो कार्बन है तो दो कार्बन के लिए क्या बोलते हैं, एथेनल। आई बात समझ में, क्या बोलते हैं, एथेनल, बोलो याद रहेगी। तीन कार्बन है तो तीन के लिए क्या करोगे, तो तीन कार्बन के लिए प्रोपियोन, तो देखो तीन कार्बन का मैं एल्डिहाइड बना लेता हूँ इस तरीके से, ये बना दिया तीन कार्बन का, तो इसके लिए मैं क्या बोलूंगा, प्रोपियोन फिर एल्डिहाइड। तो ये नाम अब आपको बहुत आसान लगने लग गया होगा कॉमन नेम, ठीक है। और आईयूपीएसी क्या हो जाएगा इसका, तो आईयूपीएसी हो जाएगा प्रोपेन, क्या हो जाएगा, प्रोपेन। बात आती है समझ, चार कार्बन का मान लो आपके पास इस तरीके से, ठीक है भाई, इस सी एच ओ को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, और आप ये हाइड्रोजन आप अपनी तरफ से लगा लेना, आपको सब आता है, ठीक है, ठीक है। तो अब देखो इसको मैं क्या बोलूंगा, ब्यूटर, चार कार्बन है तो चार के लिए क्या लगता है, ब्यूटर, ब्यूटर एल्डिहाइड। मतलब आपको क्या करना है, इनमें से ही देख लेना है कार्बन कितने हैं, और वो नाम यहाँ से चूज कर लेना है, जितने कार्बन है उस लास्ट में एल्डिहाइड लगा देना, ये कॉमन नेम का रूल है यहाँ पे। आई बात समझ में, और आईयूपीएसी के लिए क्या करनी है आपको, तो आईयूपीएसी सुनो, आईयूपीएसी इसकी हो जाएगी ब्यूटेनल, इसकी आईयूपीएसी क्या हो जाएगी, ब्यूटेनल, बोलो बात आती है समझ में। इसमें देखो पांच कार्बन है तो पांच कार्बन के लिए देखो ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसके लिए नेमिंग क्या करोगे, तो इसके लिए नेमिंग हो जाएगी बेलर एल्डिहाइड, क्या हो जाएगी इसकी नेमिंग, वेलर एल्डिहाइड, वेलर एल्डिहाइड। जबकि इसकी जो आईयूपीएसी है वो क्या हो जाएगी, पेंटेनल। तो देखो ये तो मैं इजी करा रहा हूँ आपको, आईयूपीएसी भी, आईयूपीएसी तो अभी आएगा ओरिजिनल वाला, तब आप खुद सोचने बैठ जाओगे सर ये हो क्या रहा है, ठीक है ना। अब तीन कार्बन और एक आपको डबल बॉन्ड दिख जाए, तो देखो इस तरीके से तीन कार्बन और डबल बॉन्ड, देखो ऐसा कहीं स्ट्रक्चर दिख जाए, इनके हाइड्रोजन आप लगा लेना है ना, मैं नहीं लगा रहा हूँ, आप ये मत सोचना सर को नहीं आता, ठीक है, आता है भाई, मैं जानबूझ के नहीं लगा रहा हूँ ना, आप अपनी तरफ से लगा लेना, आपको आता है, मैं ये सोचता हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, तीन कार्बन और एक डबल बॉन्ड है, तो इसके लिए आप क्या लगाओगे, एक्राइल, तो यहाँ नाम हो जाएगा एक्राइल,
एल्डिहाइड क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्राइल एल्डिहाइड। याद रखना ये तीन कार्बन डबल बॉन्ड हो, तो जबकि इसका आईयूपीएसी क्या हो जाएगा, तो आईयूपीएसी हो जाएगा इसका। अच्छा अब दिक्कत ही आएगी, सुनो यहाँ आप एक लंबी चेन लेनी है, ठीक है सर लंबी चेन तो हम ले लेंगे, ये हो जाएगी एक दो तीन कार्बन की, ठीक है। दूसरी चीज अब काउंटिंग इधर से स्टार्ट करूँ तो मैं आपको एक चीज बताऊँ, एल्डिहाइड आपका एल्डिहाइड जो है वो आपका क्या है, एक फंक्शन ग्रुप है, तो उसको डबल बॉन्ड से ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। तो आपको यहाँ से नंबरिंग करोगे कि यहाँ से, तो यहाँ से आप नंबरिंग होगी, तो नंबरिंग यहाँ से होगी तो एक दो और ये तीन, बात आती है समझ। और इसका नाम चिपका डालो, नाम चिपकाओगे तो क्या हो जाएगा, प्रोप वन ई, ठीक है, प्रोप प्रोप वन इन वन एल, बोलो आती है बात समझ, प्रॉप वन इन वन एल ये इसका नाम हो जाएगा, या प्रॉप प्रॉप वन इन एल बी, सॉरी वन इन नहीं टू इन हो जाएगा, प्रॉप टू इन वन इन, बोलो बात आती है समझ में। फिर उसके बाद देखो चार कार्बन और एक डबल बॉन्ड दिख जाए, तो चार कार्बन और एक डबल बॉन्ड इस तरीके से दिखेगा आपको, देखो सी एच टू सी, देखो सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी एच ओ, ठीक है। तो अब इस तरीके से दिख जाए आपको चार कार्बन और एक डबल बॉन्ड, तो उसके लिए क्या करते हो आप, ये करते हो देखो, ये होता है आपके पास में क्रोटोन, इसके लिए वर्ड लगाते हैं क्रोटोन, तो ये हो जाएगा क्रोटोन और एल्डिहाइड, ठीक है, ये हो जाएगा आपका क्रोटोन एल्डिहाइड। जबकि इसका आईयूपीएसी, तो इसका आईयूपीएसी आप बच्चे लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के, बात आती है समझ में, मैंने रूल बता दिया आपका, नंबरिंग किधर से करनी है आपको ये भी पता होना चाहिए, बोला था फंक्शन ग्रुप की तरफ से आप नंबरिंग करनी है, चाहे आपकी रिंग छोटी हो रही हो बड़ी हो रही हो, आंख बंद करके याद रख लो, बात आई समझ में, फंक्शन ग्रुप को वैसे ही प्रायोरिटी ज्यादा देते हैं, आई बात समझ में। तो ये चीज जो है वो आपको इस ये पता होना चाहिए, और इसकी आईयूपीएसी आप मेरे को लिख के दोगे कमेंट बॉक्स में, अभी बात समझ में, ताकि ये तो पता लगे कौन कौन पढ़ रहा है, सर दिमाग लगा लेते हो, चलो अभी तक भाई मनुष्य है अपन दिमाग नहीं लगाएंगे हैं, तो देखो इधर ये हो गया, एक और करते हैं, एक और सर कभी कभी इस तरीके से भी दे देता है, सुनना ये सी एच ओ सी सी सी, ठीक है, और अब क्या करता है वो इस तरीके से यहाँ लगाता है सी एच थ्री, बोलो आ रही बात समझ में, अच्छा ये आप आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, तो देखो मैं इसको काम ऊपर कर देता हूँ, तो इस तरीके से ये मैंने आपको करा दिया, जिसने नहीं उतारा भाई स्क्रीनशॉट ले लेना है ना, एक दो और ये तीन, ठीक है आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट ले लेना जो भी है। अब सुनो मेरी बात, कई बार इस तरीके से लिख के देता है, क्या लिख के देता है सुनो, इस तरीके से सी एच ओ सी सी प्लीज, और यहाँ देता है आपको सी एस थ्री, ठीक है इस तरीके से लिख के देता है। जब ये लिख के देता है तो सुनना इसके जस्ट बगल वाला होता है अल्फा, क्या होता है अल्फा, तो अब इसके लिए मैं क्या लगाऊंगा, तो इसके लिए सुनना भाई चार कार्बन की अब देखो रिंग बन गई आपकी, कितने कार्बन की, चार कार्बन की रिंग बन गई है, तो कॉमन नेमिंग में इसके लिए अल्फा नंबर लगाएंगे, सी एच ओ के जस्ट बगल वाला अल्फा, उसके जस्ट बगल वाला बीटा और फिर गामा, बात आ गई समझ, तो मैं इसके लिए क्या बोलूंगा अल्फा मिथाइल, देखो अल्फा मिथाइल और चार कार्बन होते हैं तो उसके लिए लगाते हैं ब्यूटर, तो नाम हो जाएगा इसका ब्यूटर एल्डिहाइड, सही बोल रहा हूँ, ये पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं पढ़ाता इस चीज को, ठीक है ना, क्यों नहीं पढ़ाता मेरे को समझ नहीं आता, ठीक है ना, फिर वही बच्चा जब एग्जाम देने जाता है ना तो फिर वो बोलता है कि सर ये चीज़ हमें पहले ही बता दी जाती है, ठीक है, कॉम्पिटिशन के जब आप पेपर उठा के देखोगे तो आपको पता लगेगा कॉमन नेमिंग से भी क्वेश्चन आता है, और फिर वहाँ जाके बच्चा अटक जाता है, ठीक है ना, क्योंकि सामने जो पेपर बना रहा है वो आपसे कहीं ज़्यादा तेज है, जब तो उसको पेपर बनाने के लिए दिया है, वरना ऐसे थोड़ी यार किसी को पेपर बनाने को मिल जाता है, वो ये चीज़ जानता है कि आप ये चीज़ें पढ़ के नहीं आ रहे हो, तो वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है। आप चाहे कोई सा एग्ज़ाम उठा के देख लो, जब एग्ज़ाम दे के बच्चा बाहर आता है ना, तब बोलता है यार ये चीज़ें छोड़ के गए थे, ये आ गई, वो क्यों छोड़ी भाई, क्योंकि एग्जामिनर जानता है ये बच्चा छोड़ेगा, तो इसलिए बोल रहा हूँ ये चीज़ें अच्छे से कर लो, ठीक है ना, ये कोई नहीं कराता आपको। फिर अल्फा मिथाइल ब्यूटाइल नाम आ गया समझ में, जबकि इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा,
तो आईपीसी नेम देखो, इसका आईपीसी 1 2 और ये 3 और ये 4, ठीक है। अब कहीं इधर से मत कर लेना, नहीं होगा इधर से, क्यों? क्योंकि ऐसा नाम लेना है जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप आए, तो इसमें फंक्शनल ग्रुप आएगा, ठीक है। तो नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2-मिथाइल, देखो 2 पे मिथाइल लग गया, और ये क्या हो गया आपका, ब्यूट 1 है। आई बात समझ में? मैं चाहता तो एल्डिहाइड कीटोन साथ में करा सकता था, लेकिन एल्डिहाइड कीटोन यदि एक साथ करा दूंगा ना, सारा कचरा हो जाएगा और आपको फिर कुछ नहीं आएगा। बात आई समझ में? चलो, तो ये चीजें देखो मैंने आपको कराई, ठीक है। अब सोचो ये CH3 में इधर डाल देता तो फिर बीटा हो जाता, ठीक है। वो आप करते रहना, ठीक है, वो आपका काम है, अब इधर उधर एक्सचेंज करना, ठीक। अब आगे चलो, देखो कई बार आपसे ये भी पूछता है, क्या पूछता है, कई बार इस तरीके से आपको इस तरीके से देखो साइक्लिक रिंग देता है, ठीक है, साइक्लिक रिंग देता है, और साइक्लिक रिंग के जस्ट बगल में क्या करता है, C=OH। अब बताओ अब इसकी रिंग कैसे करोगे? अब इसकी नेमिंग करने के लिए सुनना, अब क्या होगा, आपको ये कहा जाता है कि जहाँ से फंक्शनल ग्रुप में लंबी चेन वहीं से काउंट कर लो। तो अब मेरे को एक चीज़ बताओ, ऐसे काउंट करोगे 1 2 3 4 हैं, ऐसे करोगे तो ऐसे नहीं होगी। आई बात समझ में? ऐसे नहीं होगी, तो फिर सर कैसे होगी, तो अब देखो कैसे होगी। तो सुनना, अब ये नंबरिंग यहाँ से नहीं, अब नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगा, 1 2 और ये 3। ऑल्यू सर, ये तो काम में नहीं आया, मतलब ये कार्बन तो काउंटिंग में नहीं आया, फिर इसका नाम कैसे देंगे? अब क्या सफिक्स एल लगाएंगे? तो सफिक्स एल नहीं लगाएंगे, सफिक्स एल तब लगाते हैं जब आपका जो CHO है वो कार्बन काउंट आ जाए। देखो यहाँ पे कार्बन काउंट आया था, इसलिए यहाँ पे एल लगाया था। अब यहाँ तो सर कार्बन काउंट ही नहीं आया, फिर क्या करें? तो सुनना, इसके लिए क्या करेंगे आपका, सुनो, अब इसका मैं आपको सिर्फ हमने जो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ वो सिर्फ आपको IUPAC पढ़ा रहा हूँ। आई बात समझ में? जो जो मोस्ट IUPAC वो मैं सारी पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो IUPAC देखो ये सब हटा रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखो अब तो चीज़ें बहुत सारी आने लग गई होगी आपको, तो देखो इसकी IUPAC करनी है। अभी जब इसकी IUPAC करनी है, अब थोड़ा सा लेवल ज़्यादा आएगा, ठीक है ना। इतनी देर तो हमने वो कर रहे थे जो बच्चे भी कर लेते हैं, ठीक। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे आप, ठीक है ना। तो देखो इसका नाम करना है सबसे पहले, जब इसका नाम करना है तो सुनना क्या करना है, इसका इसका नाम हो जाएगा आपका 1, ठीक है, साइक्लो, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो साइक्लो प्रोपाइल, ठीक है, साइक्लो प्रोपाइल। अब इतने के लिए जो एक वर्ड लगाना है वो अब नया कुछ सीखना है आपको, नया नया क्या है वो सुनो। जब कार्बन में CHO का कार्बन काउंट नहीं आ रहा हो तो उसका नाम देने के लिए फिर आपको एक शब्द लगाना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं कार्ब एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? कार्ब एल्डिहाइड। तो ध्यान रखना, अब वर्ड लगेगा साइक्लोप्रोपाइल, इसके लिए क्या लगेगा, इसके लिए लगेगा कार्ब एल्डिहाइड। बोलो बात रही है, समझ में? तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपाइल कार्ब एल्डिहाइड। याद रखना ये बात मेरी, रख लोगे आप? चलो आगे चलते हैं। कई बार इस तरीके से भी होता है, क्या ऐसे भी दे देते हैं आपको, मान लो जैसे यहाँ पे क्या करता है, जैसे मैं इसी में नहीं कराऊंगा सर, यहाँ पे जल्दी आ जाते हैं, एक में घुस जाते हो पूरा पूरा, ठीक है ना। यहाँ दे देता हूँ CH3 और यहाँ दे जाते हो C=OH। इसका IUPAC नेम, तो इसका IUPAC नेम, तो वही काम, 1 2 3 ऐसे करोगे? नहीं, ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है। देखो 2 नंबर इसको देना है, फिर 3 नंबर इसको देना है, क्योंकि लोएस्ट प्रायोरिटी मिलेगी इसको, लोएस्ट नंबर पे आ जाएगा, लोएस्ट लोकेंट का रूल है, न्यूनतम अंक मिले प्रतिस्थापी सब्सटेंट, तो ये सब्सटेंट को कम से कम अंक मिल रहा है, ऐसे ज़्यादा 3 मिलता है, ऐसे ज़्यादा 2 मिलता है। तो सुनना क्या बोलूँगा, 2-साइक्लो, सुनना, 2-मिथाइल, 2 पे मिथाइल लग रहा है, साइक्लो प्रोपाइल, 2-मिथाइल साइक्लो प्रोपाइल कार्ब एल्डिहाइड। बोलो रख लोगे बात, क्या करी? इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, बात आई समझ में? फिर देखो
अब इसका नाम कैसे करोगे, तो इसका नाम देखो क्या है। अब कई बच्चे से सोचते हैं इसका नाम दूंगा ना तो ऐसे करूंगा, 1 2 3 4 5 ऐसे। भाई मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, आपने इस वाले एल्डिहाइड को काउंट कर लिया, इस एल्डिहाइड को काउंट कर लिया, इसको क्यों छोड़ दिया? बोलो इसको क्यों छोड़ दिया? तो यही बात क्या है कि जब पुरानी IUPAC थे ना, उसने तो ये चीज नाम तो कर दिया, लेकिन फिर उसमें कुछ चेंजेस हुए, IUPAC ने फिर नए चेंज किए, नए चेंज में पूछा गया कि भैया आपने इसको क्यों छोड़ा, तो फिर जब इसको क्यों छोड़ा तो फिर जवाब में ये उत्तर देना पड़ा, क्या सुनना, कि आप इन तीनों को मेन चेंज में काउंट कर लो, ठीक है, इनको मेन चेंज में काउंट कर लो। और इसके लिए आपको पता है जब इसका कार्बन काउंट नहीं करता तो फिर उसके लिए क्या वर्ड लगाते हैं, क्या लगाते हैं, हाँ कार्बनडाइऑक्साइड। तो अब क्या बोला तो सुनना, इसका नाम फिर कर दिया प्रोपेन 1 2 3 कार्बोएल्डिहाइड, क्या कर दिया प्रोपेन 1 2 3 कार्बोएल्डिहाइड इसका नाम कर दिया। बात आती है समझ में, ये मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चंस पूछा जाने वाला है, मतलब सबसे ज्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप जो सोचते हो वो पहला ऑप्शन वही देता है और उसके बाद में दूसरे ऑप्शन तीसरे ऑप्शन तक बात पहुँचती नहीं है अपनी, पहले भी अपन तो टिक करके आ जाते हैं, फिर सोचते हैं यार इसका तो टिक लगा दिया अब तो हो गया ही है। जब बाहर आते हैं टीचर से पूछते हैं तो पता लगता है यार क्वेश्चन के टिक नहीं लगाया, उसने अपने टिक लगा दिया, टिक नहीं टिक लगा दिया अपने। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, आई बात समझ में, फिर अगला देखो आपके पास। देखो एक क्वेश्चन ये भी पूछता है आपसे इस तरीके का, बेंजीन नहीं रहता है, ठीक है, ये देखो, और इस पर आ जाता है CH, तो इसका जो नाम है वो क्या करते हैं अपन, तो सुनना, इसका नाम हो जाता है बेंजीन एल्डिहाइड, ये सीधा सीधा याद रखना आपको, ठीक है, बेंजीन एल्डिहाइड रख लो गया, तो ये बेंजीन और ये एल्डिहाइड ग्रुप हो गया आपका, ये सीधा सीधा याद करना है, इसमें मैं कुछ नहीं कहूंगा, बात आई समझ में, लेकिन सुनो ये होता नाम हो CHO, फिर क्या करते हैं, तो फिर इसका नाम क्या हो जाता है, फिर इसका हो जाता है बेंजीन 1 2 डाई। अब ये कार्बन तो काउंट आने लगे कि ये बेंजीन है, तो इसका क्या हो जाएगा, बेंजीन ये हो जाएगा आपका बेंजीन 1 2 डाई कार्बो एल्डिहाइड, समझ में आ रही है बात, तो ये क्या हो जाएगा आपका बेंजीन कार्बोएल्डिहाइड रख लोगे यार, तो ये इस तरीके से क्या आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, रख लोगे। फिर उसके बाद मेरे को आपको जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने सारे करा दिए, मुझे नहीं लगता मैंने कोई छोड़ा है आपका, ठीक है। आपको सैलिसिलिकेट मैंने पहले पढ़ा रखा है, याद है आपको सैलिसिलिकेट पढ़ाया था, इस तरीके से देखो, इस तरीके से आपको सैलिसिलिकेट पढ़ाया था, याद है ना, तो ये क्या हो जाता है, ये 1 है और ये 2, ठीक है, याद है, हाँ हाँ, तो ठीक है, इसका नाम आप ही को दे रहे हैं, ठीक है ना, इसका IUPAC नाम आप ही करोगे, समझ में आती है, या फिर मैं ही बता दूँ, तो सुन लो मैं ही बता देता हूँ, ये एल्डिहाइड है आपका, फंक्शनल ग्रुप मेन है, ठीक है, तो इसका तो आएगा सफिक्स, ये आएगा सफिक्स, और इसका क्या आएगा प्रीफिक्स, ठीक है, इसका आएगा प्रीफिक्स, याद रख लिया हूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2-hydroxy, इसका प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी, तो 2-hydroxy, और ये जो अब पूरा हो गया ये क्या हो गया बेंजीन एल्डिहाइड, बेंजीन एल्डिहाइड, समझते हो ये बात, तो ये चीज़ें क्या आपको पता होनी चाहिए, बेंजीन एल्डिहाइड इसका नाम हो जाएगा। तो ये मैंने आपको राइमेटिमान रिएक्शन पढ़ाई थी तब भी बताया था, CaCl3+3KOH लेते हो वहाँ पे ये रिएक्शन देखो मैंने करा रखी है, वहाँ पर सैलिसिलिकेट बन रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद में देखो, हाँ इस तरीके से हो सर, जैसे ये मान लो मेरा डस्टर कहाँ गया, ये मेरा डस्टर, इस तरीके से हो सर क्वेश्चन, जैसे ये देखो ये दे रखा है आपके, इस तरीके से देखो ये हटा रहा हूँ पूरा, ठीक, ये पूरा पूरा मैं हटा देता हूँ, ये भी हटा देता हूँ, इस तरीके से C
सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच सी 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 डबल बॉन्ड ओ एच, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, ठीक है ना। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे भाई, अब तो नाम देना ही पड़ेगा। तो अब कैसे नाम लोगे इसका, तो सुनना, इसका नाम देने के लिए अब सुनना, आपको इसमें दो फंक्शन ग्रुप पकड़ने हैं। हुआ क्या कि आपको कभी कभी मल्टी फंक्शन ग्रुप देता है, दो या दो से ज़्यादा, फिर उस केस में क्या आपको उनके प्रीफिक्स सफिक्स आने चाहिए। तो सुनना, जो मेन होता है ना, मेन फंक्शन ग्रुप, जैसे इसमें ये सी डब्ल्यू एच ग्रुप है, ठीक है, देखो सी ओ ओ एच, तो ये सी डब्ल्यू एच ग्रुप है, वो सी एच ओ ग्रुप है। तो इसके लिए अब क्या है अपने को, इसके लिए सफिक्स लगाना पड़ेगा और इसके लिए प्रीफिक्स लगाना पड़ेगा। तो जो मेन ज़्यादा होता है उसके लिए सफिक्स लगता है और उसके कम मेन के लिए प्रीफिक्स लगता है। तो इसलिए जो कार्बोक्सिलिक हो जाएगा उसका सफिक्स लगाना पड़ेगा। तो एल्डिहाइड का सफिक्स आपको आना चाहिए, ठीक है। एल्डिहाइड का सफिक्स मैं बता देता हूँ आपको क्या होता है। देखो कई लोग ऑक्सा ऑक्सो लगाते हैं, कई फॉर्माइल लगाते हैं, कुछ भी लगाओ, ठीक है ना, दोनों सही है। तो यहाँ से एक दो तीन और ये चार, इधर से क्योंकि नंबरिंग, क्योंकि एक नंबर पर आता है, ठीक है ना, ये मेन है फंक्शन, तो क्या बोलूँगा, तो सुनो फोर ऑक्सो, ठीक है, फोर ऑक्सो, देखो चार पे आपका ऑक्सो आ गया क्योंकि इसका प्रीफिक्स आएगा और ये क्या आपके पास चार कार्बन ये हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास ब्यूटेनोइक एसिड, ये हो जाएगा आपके पास फोर ऑक्सो ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूट क्यों लगाया, क्योंकि चार कार्बन था, ऑइक इसलिए लगाया क्योंकि सी डब्ल्यू एच का जो सफिक्स होता है वो ऑइक होता है। तो ये मैंने आपको आज एल्डिहाइड की नेमिंग पढ़ा दी, आई बात समझ में। एल्डिहाइड में मैंने कुछ नहीं छोड़ा, लगभग सारी चीज़ें आपको बताई, सारे रूल्स बता दिए। ये रूल्स आप याद रखना, आप दो फंक्शन ग्रुप भी नहीं, तीन भी आ सकते हैं, चार भी आ सकते हैं। तो आपको तो उसमें से एक मेन पकड़ना है, जो मेन है उसको सफिक्स में टांग देना है और जो कम मेन है मतलब कम मुख्य है उनको आप प्रीफिक्स में टांग देना है। और फिर प्रीफिक्स में भी वो दो या दो से ज़्यादा दिख जाए तो आपको जिस सिचुएशन पे वो सिचुएशन दिखानी है, दो पे तीन पे, लेकिन लिखना इस तरीके से वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। बात आ गई समझ में। तो आज इस लेक्चर में अपन इतना ही करेंगे। तो एल्डिहाइड की आपको मैंने नेमिंग सिखाई, इससे अगले वाले लेक्चर के अंदर आपको कीटोन की नेमिंग सिखाऊंगा। आई बात समझ में। कीटोन की भी नेमिंग कुछ कुछ इसी तरीके की है, तो आपको पता लगा होगा एल्डिहाइड की नेमिंग किस तरीके से होती है। तो 11th क्लास में तो क्या आपको 5 से 10 फॉर्मूले करा के नेमिंग करा के काम खत्म कर देते हैं, लेकिन अब देख लो इतनी इंपॉर्टेंट नेमिंग है, इसलिए 11th क्लास में इसको नहीं डाल रखा है पूरा, डाला कहाँ है 12th क्लास में, ये इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, ठीक है। तो आज वाला लेक्चर में इतना करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।